यूट्यूब चैनल छवी जी मेरी रेसिपी। और आज हम यहाँ पे बनाने वाले हैं धनिया की हरी चटनी। चटनी तो फ्रेंड्स लगभग सभी हम अपने घर में बना लेते हैं, लेकिन सबका तरीका कुछ डिफरेंट हो जाता है। और आज जो एक और नए डिफरेंट तरीके से हम इस चटनी को बनाएंगे, एक बार इस तरीके से चटनी को बना के ज़रूर देखें, आप ज़रूर उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। तो फ्रेंड्स चटनी के लिए यहाँ पर हमने लिया है 250 ग्राम हरा धनिया, उसी के साथ में हमने लिया है 10 से 12 हरी मिर्च। फ्रेंड हरी मिर्च आप अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। एक चम्मच जीरा, एक मीडियम प्याज, आधा नींबू, दो छोटे अदरक के पीस, 10 से 12 कलियां लहसुन की, और उसी के साथ हमने लिया है यहाँ पे अपने स्वाद अनुसार नमक। फ्रेंड्स अब इस चटनी को बनाने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, पहले हम ये सारा सामान एक मिक्सी के जार में डालेंगे। उसी के साथ हम यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा पानी, मैंने यहाँ पे एक कटोरी पानी डाला है। अब हमारी चटनी बनकर तैयार है और आप भी इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। यकीनन आपने इतनी टेस्टी चटनी आज तक नहीं खाई होगी, और पकौड़े के साथ तो ये चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है। फ्रेंड्स एक बार पकौड़े के साथ ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।